दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अब शीर्ष अदालत ने भी झटका दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्हें शीर्ष अदालत ने राहत तो नहीं दी, उल्टा फटकार और लगा दी। सिसोदिया एक छोटे बच्चे की तरह इधर उधर रियायत की याचिका लेकर घूम रहे हैं, लेकिन राहत है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। मनीष सिसोदिया को डर ये भी है कि कहीं सच उगलवाने के लिए सीबीआई वाले इन पर थर्ड डिग्री का प्रयोग ना कर ले। लेकिन तमाम दलीलों के बाद भी सिसोदिया के हाथ कुछ नहीं लगा। सिसोदिया की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुप्रीम आदेश देते हुए और फटकार लगाते हुए कहा कि पहले आप उच्च न्यायालय जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, यानी राहत की जगह सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड को बरकरार रखा। पहले आपको बताते हैं कि एफआईआर रद्द करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने क्या कहा और फिर बताएंगे थर्ड डिग्री पर उच्च न्यायालय ने क्या कहा। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूर ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल की जमानत के लिए यहाँ क्यों आए हैं, हाई कोर्ट जाइए, जमानत के लिए विकल्प आपके पास है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट जाए बिना कुछ भी कहना गलत परंपरा की शुरुआत होगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूर ने कहा कि अगर हम ऐसे सभी मामले में दखल देने लगे तो क्या होगा, हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऐसा एक मामला हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ही आए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील दाखिल की थी। पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। वहीं थर्ड डिग्री पर हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में की जाए, उनका हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल चेकअप होगा, साथ ही 24 घंटे में आधा घंटा वकील और 15 मिनट पत्नी से वो मुलाकात कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि सिसोदिया को डर था कि सीबीआई उनके खिलाफ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और इस घटना के बाद लगभग एक साल बाद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चौतरफा आलोचनाओं के बीच ये दोनों नेताओं के इस्तीफे करप्शन हुआ है इस पर मौन सहमति दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।